नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज हम बात करने वाले हैं किसानों की समस्याओं की। दरअसल प्रदेश में अचानक आई बेमौसम बारिश ने कई किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। किसानों का आरोप है कि सरकार अगर 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर देती तो शायद हमारी फसल बर्बाद होने से बच जाती। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या किसानों के फसल बर्बादी का जिम्मेदार आखिर फिर कौन है? क्या किसानों को बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मिल पाएगा? क्या किसानों की जो फसल बर्बाद हुई उससे पहले अब आगे इस तरह की परेशानी क्रिएट ना हो, इसको लेकर कोई हल निकाला जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखिए। किसान तो पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गया, किसान तो पूरी तरह से डूब गया है। जिसे सरकार को चाहिए था कि 1 नवंबर से धान की खरीदी अगर करती तो ये स्थिति नहीं आती। किसानों की फसल बर्बाद होना शुरू हो चुकी है। जिस फसल को दिन रात अपने खून पसीने से सींचा वो नजरों के सामने बह जाए, इसका दुख एक किसान ही समझ सकता है। सरकार का क्या, किसान लगातार सरकार से मांग करते रहे कि उनकी फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, देर मत कीजिए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अटल रही। आगे कुछ और कहें, इससे पहले सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस पार्टी किसानों की समस्या पर क्या कह रही है, जरा वो सुन लेते हैं। निश्चित तौर पर जो अचानक हल्की बारिश हुई है उसको लेकर राज्य सरकार गंभीर है, स्थितियों का आकलन कराया जा रहा है और किसानों को किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है, किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है, किसानों को उपज की सबसे ज़्यादा कीमत देने वाली देश की इकलौती सरकार है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने जा रही है। जब सरकार ने तारीख की घोषणा की थी तब से ही किसान सरकार से धान खरीदी में देरी के लिए फसल बर्बाद होने की आशंका जता रहे थे, लेकिन सरकार ने त्योहार का बहाना बनाकर किसानों की एक न सुनी। अब प्रदेश में इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा और फसल बर्बादी के लिए सरकार को जिम्मेदार बता दिया। पार्टी की सरकार के समय जो नवंबर माह में धान की खरीदी प्रारंभ हो जाती थी वो इस सरकार ने दिसंबर माह कर दिया है और आज नतीजा आपके सामने है कि प्रदेश के किसानों का जो धान है अकारण बारिश के चलते बर्बाद हो रहा है। इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है और यहाँ की नीति है और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी मुआवजा इसका निर्धारण नहीं किया जा रहा। ये कहने में कोई दो राय नहीं कि अगर 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो जाती तो किसानों को इस नुकसान से बचाया जा सकता था। सरकार की इस घोषणा के मुताबिक प्रदेश में 1 दिसंबर से खरीदी शुरू होगी, जिसमें अभी 15 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में वो सभी किसान चिंतित हैं जिनकी फसल कट चुकी है और खेतों में पड़ी है। अगर सरकार ने समय रहते फैसला नहीं लिया तो कई किसानों की मेहनत इसी तरह पानी में बह जाएगी। टीम न्यूज स्टे। तो जिस बात का डर था और वही हुआ, इसको लेकर लगातार न्यूज स्टेज सवाल कर रहा था। हमने लगातार कई बार इसी डिबेट के दौरान महत्वपूर्ण सवाल उठाए और पूछा कि आखिर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि यही कहते नजर आए कि कुछ नहीं होगा। किसान बेहद खुश है, किसान अभी फसल कटवा भी नहीं रहा है, उसकी 1 दिसंबर तक फसल कटेगी, तब तक हमारी धान खरीदी शुरू हो जाएगी। लेकिन वही हुआ जिसको लेकर लगातार हम चिंतित थे और किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। विशाल चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और मणि वैष्णव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले चंद्राकर साहब आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। दुख तो आज आपको भी बेहद होगा कि इस तरह की स्थितियाँ एक बार फिर निर्मित हुई। बिल्कुल दीपेश जी, क्या है छत्तीसगढ़ में जो बेमौसम बरसात की आशंका रहती है हर साल, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में बारिश होती ही है, तो अभी जो 2 नवंबर को जो दीपावली का त्यौहार था तो उसके चलते 15 अक्टूबर से खरीदी कर प्रारंभ करना चाहिए था, ताकि अभी क्या है शासन जब धान खरीदती है तो किसान अपने खलिहान में धान रखना बंद कर दिए हैं और धान की कोठी जो घर में रखते थे स्टोर करते थे वो भी खत्म प्राय खत्म हो गया है। तो ये 15 अक्टूबर से अगर खरीदते तो धान जो खुले मैदान में है वो उससे बच जाता और सरकार अपने उसको स्टोर करती। आज किसान एक भरोसे पे
कि सरकार खरीदती है करके खुले आसमान के नीचे रखा और बेमौसम बरसात के कारण हजारों एकड़ जमीन पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों को छोड़ के और जिलों के अवैध कई संभागों में पूरा ऐसी बारिश हुई है कि किसानों के पूरे फसल चौपट हो गई। अब तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि आपका धान खराब हो गया है, अब सरकार खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। इस प्रकार से कुल मिला के किसानों का ये तो बहुत बुरा हाल है और बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। आपके जगदलपुर संभाग, बस्तर संभाग और अपने रायगढ़ संभाग, सभी अब रायपुर संभाग में भी हर संभाग में करीब करीब पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश ने, बेमौसम बारिश ने किसानों के हाल बेहाल कर दिया। सरकार को सोचना चाहिए था कि 2 नवंबर को अगर दीपावली है तो हम 15 अक्टूबर से क्यों खरीदी न कर दें, क्योंकि अक्टूबर में ही किसानों का धान कटने लग जाता है। आज अब कौन किसके पास रोए तो रोए किसके पास किसान, इन बीमा से भी पैसा नहीं मिला। इन्हें सरकार को चाहिए कि अब खुद व्यवस्था करे या बीमा कंपनी से दिलवाए, जैसा भी हो किसानों का आंसू पोंछने के लिए वही एक रास्ता है बीमा कंपनी या सरकार। लेकिन उसमें भी सर्वे जो होता है चंद्राकर सर, जो सर्वे होता है उसमें भी बताया ये जाता है कि ये धान तो थोड़ी सी खराब हुई है, इतनी अच्छी है, इतना पैसा इसका बनता है। तो जो लागत उस किसान को लगी उस धान को उपजाने में, उसको काटने में, उसको अब खरीदी केंद्रों तक ले जाने में, उसमें जो खर्च हुआ वो भी थोड़ी ना नसीब हो पाता है, वो भी पूरा कहाँ मिल पाता है। नहीं, वो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, बल्कि वो तो शासन और ये करेगी कि आपका धान खराब हो गया है, इसको ये अंडर साइज है और ये है वो है, डिस्क्वालीफाइड है, ऐसा करके उनको रिजेक्ट भी करने के। क्योंकि पिछले बार ये भी देखने को मिला था कि जिससे शायद शासन के अधिकारियों की यही मंशा है कि खरीदी कम हो, यानी इस टाइप से इनकी व्यवस्था हो जाती है। सरकार के अगर कहीं किसानों को सही हित चाहिए था तो 15 अक्टूबर से खरीदते तो शायद ये नुकसान नहीं हो पाता। बिल्कुल, सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता मणि वैष्णव जी का भी हम इंतजार लगातार कर रखे हैं और सही सवाल तो उन्हीं से रखेंगे कि आखिर जिन बातों की डींगे हाका करते थे वो आखिर कहाँ हैं। सुशांत जी, सवाल आपसे ये है कि किसे जिम्मेदार मानते हैं इस किसानों की परेशानी का, इस किसानों की मुसीबत का? सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी की सरकार को, भूपेश बघेल जी। मैं आपको पुरानी एक बात पर ले जाना चाहता हूं। जब 2018 के पूर्व हमारे भूपेश बघेल जी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते थे और वर्तमान के कृषि मंत्री नेता प्रतिपक्ष हुए, और ये हमारी सरकार से मांग करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी से कि 1 नवंबर के पूर्व धान खरीदी की जाए। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि छत्तीसगढ़ में मुहावरा है पलट सीताराम, सत्ता पाते साथ इन्होंने किसान हितैषी का जो चेहरा है ये उतार फेंका। गंगा जल की सौगंध खाकर जब एक इनके युवराज, तथाकथित युवराज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आकर कहते हैं कि हम धान का एक एक दाना खरीदेंगे, तब इनके वादे पर केंद्र की सरकार वर्तमान में 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का फैसला लेती है, जो अगर धान में कन्वर्ट करें तो लगभग 100 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता है। तो यानी छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना खरीदने की जिम्मेदारी अगर किसी ने वास्तविक तौर पर उठाई है तो माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मोदी जी ने उठाई। अब विषय पर आता हूं कि आखिर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हुआ क्यों। छत्तीसगढ़ में सियासी लफासी और चुनावी पर्यटन में व्यस्त माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को नेतृत्वहीन कर चुके हैं। आज निर्णय लेने की व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक ढांचे का संतुलन यह प्रदेश खो चुका है, जिसकी परिणति यह हुई कि आज किसान ठगा सा महसूस करता है भरे मौसम में, जब आपके फसल बर्बादी के लिए पानी का प्रकोप आया तो इनके पास धान खरीदी की व्यवस्था नहीं है, धान खरीदने के बाद उनको सुरक्षित रखने के लिए बारदाने की व्यवस्था नहीं है, और बारदाना लेने के बाद धान खरीदी करने के बाद अगर पानी का प्रकोप पुनः आए इनके पास तारपोलिन खरीदने की व्यवस्था नहीं है। सुशांत जी, आर्थिक नहीं, बहुत अच्छी बातें आपने कही। एक तरीके से तो शासन जिम्मेदार, लेकिन क्या किसानों की इस परेशानी का, किसानों की इस मुसीबत के लिए सुषुप्त विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि आप लोगों ने किसानों की चिंता नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मांग की, हमारे नेता धर्मलाल कौशिक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये मांग की थी कि उनको आईना दिखाया था कि कल तक आप मांग करते थे 1 नवंबर की, और डॉक्टर रमन सिंह सर मीडिया में बाइट दे देने से, एक पत्र लिख देने से क्या मांग पूरी हो जाएगी? उधर कवर्धा और दुर्ग के मसले पर तो आप लोगों ने तलवारें निकाल ली थी, सड़कों पर उतर आए थे,
उधर धर्मांतरण के मसले पर लेकर आप लोग पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रखे थे किसानों के मसले को लेकर, क्या सड़क पर नहीं उतर सकता था विपक्ष? कवर्धा में वो आज ही पुलिसिया संरक्षण में चल रहे हैं और सर क्या किसानों के मसले को लेकर विपक्ष सड़कों पर नहीं उतर सकता था? सुशांत जी, सर विपक्ष सड़कों पर उतरेगा, लेकिन अभी की डेट में अभी पहला उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके किसानों को राहत पहुंचाई जाए, जिसके लिए माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष करता आ रहा है। परंतु एक विषय आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि जब शासक उदाहरण प्रस्तुत ना करता हो, शासन बदलापुर की राजनीति पर आमादा हो, शासन हमेशा दुश्मनी के नजरिए से विपक्ष को देखता हो, उस सरकार की व्यवस्था इस देश में सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहने का अगर किसी राजनीतिक दल को अधिकार था तो वो बीजेपी को था, और लंबे समय तक विपक्ष में रहकर आपने सत्ता से काम करवाया क्या? तो फिर आपको और ज्यादा अच्छे से आता होगा कि हम कैसे अपने किसानों की चिंता करते हुए सरकार से उनके हित में काम करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ ना। मैं आपके प्रश्न का एक प्रतिपक्ष जवाब देता हूँ कि जिस सरकार को सुनाने के गुंगी भैरी सरकार है, ये सुनना ही नहीं चाहती, ये अपने यानी व्यापक जनादेश का इतना माखोल उड़ा रही है कि सुनवाई को डरती है। मेरे विशाल चंद्राकर जी ने भी कहा कि धान खरीदी की जा सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब सितंबर के पहले हफ्ते में धान खरीदी हो जाती तो 3 साल से ये सिर्फ एक गाना गा रहे हैं, बारदाने की कमी, बारदाने की कमी, बारदाने की कमी। 3 साल से सिर्फ एक गाना गा रहे, केंद्र सरकार ये नहीं करती, केंद्र सरकार वो नहीं करती। शिकायत का मजमून लेकर चलने वाले, ये चिमट के लड़ने वाले मुख्यमंत्री, अगर प्रदेश में आर्थिक आपातकाल है तो स्वीकार क्यों नहीं करते? केंद्र तो अपनी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर कर रही है, लेकिन अगर प्रदेश में आर्थिक आपातकाल है, इनके मुख्यमंत्री को आज आईना देखने की आवश्यकता है कि नहीं? गिरिमा पे झांकने की आवश्यकता नहीं है? आप विपक्ष की क्या मांग रहे कि सुशांत जी, मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि लगातार हम इंतजार कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, लगातार हम इंतजार कर रखे गए हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट में आए और जिम्मेदारी के साथ जवाब दें कि आखिर किसानों की आज ये स्थिति हुई क्या, किसानों की धान बर्बाद हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन, और अब उस धान का होगा क्या, किसानों की जो समस्या हुई है उसका निराकरण कैसे होगा, इसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। मणि वैष्णव जी ने वादा किया है कि वो इस डिबेट में आएंगे, लेकिन अभी तक वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनसे हम जरूर जवाब लेंगे। लेकिन चंद्राकर जी, सवाल अब आपसे है, और वो सवाल ये है कि ऐसी स्थितियां पहले भी हमने कई बार देखी है, धान 1 नवंबर से भी खरीदी शुरू हुई लेकिन उसके बाद भी अगर वर्षा हुई तो किसानों की धान का नुकसान हुआ है, किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो दावे और वादे किए जाते हैं क्या वो धरातल पर उतरते नजर आते हैं? नहीं, वो धरातल पे तो नजर नहीं आए। ये तो क्या राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति नेताओं की बात हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता हैं, तो सिर्फ किसानों के हित के हम चर्चा करते हैं। अभी जो नुकसान हुआ है उसमें शासन एक दो बातें कर सकती है अगर चाहे तो, जितनी भी और फसल बची है, थोड़ी बहुत फसल जैसे खड़ी है खेतों में, और वो फसल अगर आती है तो किसानों के पूरे धान को सरकार खरीदे और भींगे हुए जो धान है उसको भी खरीदने की व्यवस्था बनाए। अगर सही किसान की हितैषी है तो ये दोनों बातों पे विचार करके पूरे फसल को खरीदने की व्यवस्था बनानी चाहिए। और जैसे 15 क्विंटल का जो बाध्यता है, जब अधिक अनाज उत्पन्न करो, ये बातें आती है ये शासन के तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, और तो हमारा ये भी है कि हमने ज्यादा उत्पादन किया है, 1 एकड़ में जैसे 20 क्विंटल भी हो गया तो उसको शासन पूरा खरीदे। अब अभी हो क्या रहा है, अगर 15 क्विंटल खरीदती है और बचत धान को भी किसान 1200 रुपए क्विंटल में व्यापारियों को बेचते हैं, तो इस प्रकार से जो शासन की जो नीतियों में जो है वो थोड़ा अच्छा सर, ये जो कैप वाला जिक्र बार बार आता है, 1 एकड़ पर 15 क्विंटल वाला, वो क्या 2018 के पहले भी हुआ करता था बीजेपी शासनकाल में? जी जी, ये शासन में होता है। अब राजनीतिक दलों की बात तो अपन आप तो समझ ही रहे हैं। जी जी, हम तो क्या नॉन पॉलिटिकल हमारा संगठन है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के बारे में हम ज्यादा बोल ही नहीं सकते। अब हम हर साल के किसानों के साथ न्याय करेंगे करके बोलते हैं, और जैसे ही कुर्सी में बैठते हैं तो न्याय की बात को भूल जाते हैं। ये बात तो यही कहीं ना कहीं सच्चाई है जो नजर भी आती है। सुशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशांत जी बोलिए। सुशांत जी, विशाल चंद्राकर जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, प्रदेश के बड़े किसानों में से गिने जाते हैं।
कुछ विषय इनके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों में कोरोना काल के साथ जब छत्तीसगढ़ को व्यापक समय मिला छत्तीसगढ़ सरकार के भूपेश बघेल सरकार को, तब उन्होंने क्या दिया किसान को? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस प्रदेश में सर्वाधिक किसान इन 3 वर्षों में आत्महत्या करता है। यह किसान वर्तमान में सर्वाधिक तौर पर यूरिया के लिए तरस रहा है। किसान अमानक बीज को लेकर परेशान है, किसान गिरदावली के नाम पर परेशान है, किसान बारदाने को लेकर परेशान है, किसान केसीसी लोन के लिए तरस रहा है, किसान कृषि यंत्रों के लिए लोन के लिए तरस रहा है। और हद तो तब हो जाती है साहब जब किसान अपनी मेहनत की कमाई फसल मंडियों में ले जाता है और वहां से मंडी से धान गायब हो जाते हैं। इनके तथाकथित युवराज कहते हैं कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। आपने एक विषय उठाया कि क्या पूर्ववर्ती सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में धान इतनी खरीदी होती थी क्या? क्योंकि 15 क्विंटल की एक बाध्यता थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात रखना चाहता हूं कि देश तंगी ढांचे के अनुसार चलता है। केंद्र सरकार अगर चावल खरीदने की कोई प्रतिबद्धता तय करती है तो उसके साथ राज्य शासन को भी प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। वर्तमान में सरकार केंद्र की सरकार 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा चुकी है, परंतु राज्य की सरकार जो झूठे वादे करके किसानों की बंपर वोट के साथ जनादेश प्राप्त करके आई है उनके साथ वो कर क्या रही? तो जब वो किसान सम्मान निधि की बात आती है तो 34 लाख किसानों को पंजीयन पर मात्र 18 लाख किसानों को ही सम्मान निधि मिलती है और उसके बाद के जो किसान है उनको तकनीकी त्रुटि के तहत नहीं भुगतान हो पाता है, जिसको आज तक सुधारने के लिए 3 सालों में राज्य सरकार आज तक सुधार नहीं पाई। कुछ विषय और भी है कि बारदाना खरीदी के लिए तो बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक विषय रखना चाहता हूं कि आज दिनांक तक जब 1 नवंबर की तिथि निकल चुकी है ये बारदाना खरीदने के लिए टेंडर नहीं निकाल पाए। प्रदेश की आर्थिक आपातकाल की स्थिति ये है। और अच्छा, एक एक करके जिक्र करते हैं। सुशांत जी, आपने 2 बातें अब रखी हैं। पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार से धान खरीदी के मसले पर जो घमासान है वो हर बार देखने को मिलता है, अब उतना क्यों नहीं खरीद रहे हैं इसको भी जरा स्पष्ट कर दीजिए। उसमें कहां दिक्कत आ रही है? अगर धान खरीदी अगर हो रही है उतना को भी अगर केंद्रीय पूल में ले लिया जाएगा तो फिर दिक्कत कहां आ जाएगी? एक चीज। दूसरी ये कि आप लोग बारदाने का जिक्र करते हैं, पिछली बार भी बारदाने की जब कमी उत्पन्न हुई तब क्यों नहीं आपके सांसदों ने वहां पर मांग की कि प्रदेश में बारदाने की कमी है, धान खरीदी बाधित को रखी है, कम से कम मुहैया करा दीजिए। बात बात पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी माननीय सांसद को अभी तक उन्होंने आग्रह किया? तो सर हमारा तो कोई फर्जी नहीं बनता है, हम तो जनप्रतिनिधि ऐसे ही बन गए ना सर। हमको जनता ने अगर सांसद बनाया है तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है जनता के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जनता के प्रति उतना ही जिम्मेदार है जितनी राज्य सरकार है, लेकिन तकनीकी तौर पर राज्य सरकार की बाध्यताओं और आवश्यकताओं से परिचित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय सांसदों के साथ बात करनी चाहिए, तब तो केंद्र सरकार के साथ बात कर पाएंगे। और अगर केंद्र की सरकार के साथ माननीय सांसद बात नहीं कर पा रहे या बात नहीं किए हैं तो 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की तैयारी केंद्र सरकार ने कैसे कर ली? हमारी सांसदों के मांग पर किया कि एक एक दाना हम खरीदेंगे, परंतु आप जब उष्णा की बात किए हैं तो उष्णा एक सिर्फ शिकायत का लहजा है। अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, हम 6 लाख प्रधानमंत्री आवास का केंद्रांश देते हैं कि मात्र 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास का राज्यांश दे पाते हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, अमृत मिशन हो और नगरीय निकाय की स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र का हो, ये अपने राज्यांश बनाने की बाध्यता के साथ खड़े हैं क्योंकि आर्थिक आपातकाल का दौर गुजर रहा है प्रदेश। ये झूठ कर विश्वासघात और तबादला उद्योग को समर्पित सरकार एक किसानों के हितैषी सरकार नहीं है। और एक घटना आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम का एक विषय लाया जिस पर उन्होंने वहां पर अपनी केंद्र की राशि कम, तो राज्य सरकार ने वेट कम करने की बजाय क्या किया बताऊं? तथाकथित किसान हितैषी सरकार ने कि किसान सेस, राज्य सरकार ने पत्र लिखा केंद्र को कि किसान सेस कम कर दीजिए। ये कैसी किसान हितैषी सरकार है जो किसानों के उपयोग में आने वाली राशि को कम कर करके अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, लेकिन अपने पक्ष की राशि कम कर करके जनता को लाभ देना नहीं चाहती। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि चुनावी पर्यटन से और सियासी लफासी से ऊपर कर ये कब छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में बात करेंगे जो तथाकथित अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं? तो फिर सर बीजेपी
कि केंद्रवर्ती सरकार क्यों लगातार कई मसलों को लेकर बराबर बार बार पुरस्कृत कर रही है, क्यों लगातार किसान हितैषी योजनाओं की तारीफ होती है, ये भी सवाल खड़ा होता है। सर मैं लौट रहा हूँ एक बार चंद्राकर जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं, आपके पास लौट रहा हूँ। सर आज तो आपको अब पूरा अधिकार है बोलने का, कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब देने को है नहीं, नहीं तो उनसे भी कई सवाल होते और जवाब आपको भी मिलते। मैं लौट रहा हूँ आपके पास चंद्राकर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यही है, उसना चावल को लेकर जो एक विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है उससे किसानों को भी क्या नुकसान होगा या फिर सिर्फ राइस मिलर्स को नुकसान है? उसमें उसना चावल वाली जो बात है, एक कोई यानी सिर्फ जो शासन और राइस मिलर का उनका जो संबंध है उसमें कोई फर्क गड़बंधन बाकी चावल को हमारे कई लोग हैं जो कई प्रांतों में उसना चावल ही खाते हैं, तो उसना चावल खरीदने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो हाईब्रिड धान है वो बिना उसना के बन ही नहीं सकता, बहुत कम उसका आएगा, जो 70% आना चाहिए मिलिंग के बाद जो चावल बनता है वो 70 नहीं वो 50% 40% तक आता है, क्योंकि उसना जो हाईब्रिड धान है उसमें टूटन बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए जो उसना वाली बात है, अब ये जो भारतीय किसान संघ हम लोग का एक सोच है कि जो बोनस की बात और सहायता की बात और सम्मान निधि की बात, ये सब बातों को आप हटा दीजिए, हमको लाभकारी मूल्य दे दो। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक एकड़ एक कुंटल धान पैदा करने में कितना खर्च आता है, इसको हमारे भारतीय किसान संघ ने निकाला है, तो एक कुंटल धान पैदा करने में जो भारतीय किसान संघ के एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो कृषि वैज्ञानिक लोग उन लोग निकाले हैं, ये 2800 रुपए करीब एक कुंटल धान पैदा करने में खर्चा आता है, और उसमें 15% जो स्टैंडर्ड है प्लस वो मूल्य लाभकारी, तो करीब 3300 रुपए हो जाता है। तो ये अगर कहीं हमारे जो किसानों को लाभकारी मूल्य दे दे, और तो किसी प्रकार की कोई सम्मान निधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, न बोनस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान को न फ्री में आप बिजली दीजिए कुछ मत दीजिए, सिर्फ लाभकारी मूल्य तो दीजिए। बिल्कुल लाभकारी मूल्य कहीं ना कहीं बार बार जिक्र किसान करते हैं नजर आते हैं, और एक बार फिर आप भी मांग कर रखे हैं। सुशांत जी वापस उसी मुद्दे पर लौटते हैं, अब तो धान बर्बाद हो गई किसानों की, कई किसानों की लगभग पूरी फसल चौपट हो चुकी है, यहाँ तक कि ये स्थिति थी कि अब वो बेचने लायक भी नहीं बची है, क्योंकि इस तरह की धान खरीदने से भी मनाही कर दी जाएगी। अब विपक्ष क्या भूमिका अदा करने वाला है, क्या मांग आप लोगों की रहेगी? अब हमारी मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार छत्तीसगढ़ से है कि 2500 रुपए क्विंटल के मूल्य से एक एक दाना किसानों का खरीदा जाए, साथ में जो उनको नुकसान हुआ है उसका सत्यापन, भौतिक सत्यापन कराते हुए उनको मुआवजे की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि ये जो निर्णय है जो आपदा किसानों के ऊपर आई है ये सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल के नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ सरकार के कारण आई है। अगर ये 1 नवंबर से खरीदी हो जाती तो शायद तक बहुतेरे किसानों की धान मंडियों में बिक्री हो चुके होते, और इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते करते राज्य सरकार तत्काल ये व्यवस्था सुनिश्चित करे, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर ईंट से ईंट बजाने को तैयार करे। सर आपके और हमारे टैक्स के पैसे से 2500 रुपए में ये जो धान खराब हो चुका है वो किसान से खरीद लिया जाएगा, सरकार उसे खरीदेगी, उसे भी उन्हीं धान के साथ रख दिया जाएगा जहां पर अच्छा धान रखा हुआ है, वो धान सड़ेगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? सर कुछ बातें आपकी नजर में लाना चाहते हैं, 3 वर्ष पूर्व जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार तो धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थागत ढांचे में सेट निर्माण के साथ साथ अच्छी जगह रखने की व्यवस्था भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने की थी। सर उसके बाद भी तस्वीरें मैंने दिखाई है स्क्रीन पर कि उस दौर में भी किस तरह से धान भीग जाया करता था। सर आपने भी देखा है, मैंने भी दिखाया है, उस सच्चाई को भी स्वीकार करिए। मैं सच्चाई को स्वीकार करते हुए लेकिन जब व्यवस्था के विरुद्ध कदम उठाए जाते हैं और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो सरकार अपनी दलील निष्ठा से हटकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु माननीय भूपेश बघेल की सरकार बदलापुर की राजनीति पर है, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को उनको दिखते नहीं। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि छत्तीसगढ़ को किसान हितैषी होने का पुरस्कार मिलता है, ये तो केंद्र सरकार की निष्पक्षता को दिखाता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसका प्रोत्साहन भी देंगे आप।
लेकिन अगर आप सर जब जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी और छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिलता था, डॉक्टर साहब जाया करते थे, तब किसकी निष्पक्षता थी? अच्छा काम करते थे। अच्छा डॉक्टर रमन सिंह की ये 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 तो दोहरी बात हो गई शुक्ला जी, कुछ तो अरे ब्राह्मण महोदय कुछ तो सही, कुछ तो बात को स्पष्ट करिए। अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ तो दोहरी राजनीति करता हूँ, और नहीं बढ़ाता हूँ तो मैं विपक्षी भूमिका में खड़ा हूँ। नहीं तो सर आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की निष्पक्षता की सरकार को सम्मान दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि 2014 के पहले अगर छत्तीसगढ़ को सम्मान मिला करता था तो आप कहते थे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए सम्मान मिलता था, तब निष्पक्षता नजर नहीं आती आपको? मैं विषय आपको विषय को आप नहीं समझे, मैं आपके विषय पर रखना चाहता हूँ कि तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार अगर अच्छा काम करती थी तो तब की केंद्र सरकार करती थी। आज भूपेश बघेल जी बार बार दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि धान खरीदी नहीं करते हैं। मैं आपने पूछा था जब आप अच्छे काम को आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है उसको भी स्वीकार करें कि आप गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम पर जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। मैं आपके केंद्र की सरकार अगर छत्तीसगढ़ की जनता को एक मतदाता के रूप में जनादेश देने के लिए उनके लिए खरीदी कर रही है बिल्कुल, तो विपक्ष की भूमिका के साथ राज्य में भारतीय जनता बिल्कुल, और यही आप उम्मीद है कि अगर कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं निकल कर सामने आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से अगर इस पर सही तरीके से किसानों को कैसे न्याय मिले उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया निकल कर सामने नहीं आ रही है, तो विपक्ष से उम्मीद हम एक बार फिर करते हैं कि उन किसानों को न्याय दिलवाना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जी सर बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद थी कि कांग्रेस की तरफ से जवाब देने के लिए कोई मौजूद रहेगा, लेकिन माफी चाहते हैं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।